Hey viewers, welcome back to my channel. कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए ही है, तो प्लीज बॉयज स्टे अवे फ्रॉम दिस वीडियो। और अगर आप नेगेटिव कमेंट्स वगैरह या नेगेटिव बात बोलने वाले हो तो प्लीज, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है जो वीडियो मैं आज बनाने जा रही हूँ। ये सिर्फ वीडियो इसलिए मैं पहले ही बोल दिया लड़कियों के लिए है। आप मेरी और वीडियो देख सकते हैं, मैंने मेरी अच्छी अच्छी आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो मैं बता दूँ, आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो है स्टे फ्री सिक्योर के बारे में। ये है पैड, स्टे फ्री पैड के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि समर्स आ रहे हैं और ये मैं तकरीबन 2-3 साल से यूज़ कर रही हूँ। और ट्रस्ट मी गाइस, आज मैं इसका ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी, आप बिलीव नहीं करोगे। मतलब आप बोलोगे कि नहीं, ये मार्केट में तो बहुत सारे अवेलेबल हैं और विस्पर लाइक सॉफी और बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड के हैं, बट स्टे फ्री नंबर वन ब्रांड है, बहुत ही पुराना ब्रांड है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं एक बार, क्योंकि मैं आपको इसका आज हॉनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ। और इसमें हमें मिल जाते हैं लाइक 20 पैड्स और ये मुझे 75 रुपीज़ का पड़ा है। और ये कॉटन सॉफ्ट कवर है। बेसिकली हो प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अब समर्स आ रहे हैं तो हम लोग लड़कियों को पीरियड्स के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होती है, आई अंडरस्टैंड, ऑब्वियसली बात है, मैं भी एक लड़की हूँ। तो ये जो पैड्स हैं ये बहुत अच्छे हैं गर्ल्स, प्लीज़ ट्रस्ट मी, एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और हो सकता है 20% लोग इसको यूज़ भी करते हो, क्योंकि आजकल के सारे अच्छे अच्छे पैड्स आ गए हैं। बट इसमें जो यूज़ किया गया है वो कॉटन का यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल सॉफ्ट लगता है और हमें कोई इचीनेस नहीं होती है। और मतलब ये इसमें एक तरीके से साइड में मतलब इस तरीके से कवर किया गया है, इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि हमको हवा भी आस पास मतलब पास जाते रहे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, एक होता है ना हमें बहुत गर्मी लगती है, गर्मियों में तो ऑब्वियसली बात है बहुत ही बुरा हाल हो जाता है हम लड़कियों का। तो ये न्यू और इम्प्रूव्ड होकर आया है ये स्टे फ्री सिक्योर कॉटन पैड। और मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ, ये लीक लॉक चैनल है, एब्जॉर्ब करता है 2 मल्टीप्लाई फास्टर, और कॉटनी सॉफ्ट कवर है इसका, एडोर कंट्रोल है, कीप यू फीलिंग फ्रेश। आपको उसको लगाने के बाद ऐसा लगेगा बहुत, मतलब वैसे होता है ना कि बिल्कुल घुटन टाइप का जो होता है वो आपको बिल्कुल महसूस नहीं होने वाला, आपको फीलिंग फ्रेश होगा। इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है, तो आपको कोई स्मेल अपनी नहीं आने वाली, फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है स्टे फ्री की, और बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, आप ट्राई कर सकते हो, एक बार देख सकते हो। और ये हमें मिल जाता है, क्योंकि ये रेगुलर है तो ये 230 mm का होता है, और इसका एक्स्ट्रा लार्ज वाला जो होता है वो 274, इस तरीके से होता है, वो 274 का होता है। ये मैं बेसिकली मैं ये नाइट में ही अप्लाई करती हूँ, ये वाला, ये मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म है। तो ये रहे मेरे दोनों पैड्स, ये छोटा है, ये इससे काफ़ी लंबा है। तो बेसिकली आप ये यूज़ कर सकते हो नाइट में और आप ये यूज़ कर सकते हो डे में, तो आप देख पा रहे होंगे दोनों में डिफरेंसेस। और ये इतने सॉफ्ट है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, इतना कॉटन ही पैड्स है, और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है, और बहुत ही इजी तरीके से आप इसको रिमूव कर सकते हो यहाँ से और यहाँ से। ये मैं नाइट में यूज़ करती हूँ, ये मैं डे में जब मैं पीरियड्स में के दौरान मैं यूज़ करती हूँ, तो मैं वो बता रही हूँ। आप इसे नाइट में, लार्ज वाला आप नाइट में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नाइट में अक्सर ऐसा होता है हम कंफर्ट नहीं हो पाते हैं और पीछे सारा हमारा जो होता है वो ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए इतना लंबा पैड्स आप यूज़ कर सकते हो, और डे के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। अगर आप घर पर रहते हो, आप चाहो तो ये भी यूज़ कर सकते हो। और इस तरीके से मैं इसमें इंस्ट्रक्शन भी दिए जाते हैं कि किस तरीके से हमें ये अप्लाई करना है और किस तरीके से नहीं, इसमें पूरा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। ये वाला जो है इसका MRP रेट है 35 रुपीज़, और ये इसमें हमें मिल जाते हैं 6 पैड्स। ये वाला जो है इसमें हमें 6 पैड मिल जाते हैं, आप ज़रूर उसको ट्राई कीजिए एक बार, आप खुद बोलोगे कि हाँ फरा, आपने हमें कोई ऐसी चीज़ बताई है कि जो मतलब बहुत ही कॉटन ही है। और एक अच्छे बजट में मतलब आप एक अच्छा पैड चाहते हो तो प्लीज़ आप ये बाय कर सकते हो, क्योंकि और भी बहुत सारे महंगे महंगे हैं यार, मतलब मैं आप क्या बोलूँ, आप एक बार जब ट्राई करोगे ना आप खुद बोलोगे। मे बी हो सकता है बहुत लोग ये यूज़ भी करते हों,
तो ये वीडियो जो है बेसिकली उन लड़कियों के लिए है जो इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानती, और बहुत से लोगों ने इस स्टेफ्री के बारे में नेगेटिव बातें बोल रखी हैं कि कुछ एब्जॉर्ब नहीं करता, ये लीक हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये लीक नहीं होता है। ट्रस्ट मी, आप ट्राई कीजिए, चाहे आपका छोटा वाला एक बार मंगवा के ट्राई कीजिए, लीक नहीं होता है। बहुत ही कॉटनी होता है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, हमारे को बिल्कुल ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। इसको लगाने के बाद बहुत ही कंफर्ट आप रह सकते हो, आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो। तो अब आप लोगों के लिए लास्ट में एक टिप्स मैं शेयर करना चाहूँगी, जो भी आप अंडरवेयर यूज़ करते हो इन दौरान पीरियड्स के दौरान, प्लीज़ जब आप कंप्लीट हो जाओ पीरियड से, तो उसके बाद अपने आप अंडरवेयर को वॉश करने के बाद ऐसे ही सुखाओ मत, आप उसे वॉश करो। देन उसके बाद एप्पल साइडर विनेगर, यस एप्पल साइडर विनेगर में उसका मतलब एक ढक्कन आप डालो गर्म पानी में, और उसको अपने अंडरवेयर जो भी आपके अंडरवेयर हैं उनको डालो, ताकि वो अच्छे तरीके से हाइजीन हो जाए, कोई भी उसमें बैक्टीरिया वगैरह नहीं रहे। और मेरी सेकेंड टिप्स है कि प्लीज़ आप अपनी 6 घंटे में मैक्सिमम, मैं मिनिमम से मैक्सिमम टाइम बता रही हूँ, 6 घंटे, आप 6 घंटे बाद अपना पैड चेंज करें। ऐसा नहीं है आपने एक बार लगाया हो तो पूरे दिन आप चला रहे हो, तो ऐसा नहीं है। आपको ब्लड आए या नहीं आए, आपको 6 घंटे में अपना सैनिटरी पैड चेंज करना है। और एक और ज़रूरी बात मैं आपको बताऊँगी, अगर आप 6 घंटे बाद नहीं चेंज करोगे ना, तो इसमें कुछ ऐसे मेडिसिन यूज़ होती हैं, इस चीज़ों में दवाइयाँ यूज़ होती हैं, ये यहाँ से केमिकल उसका फटने लगता है, जो हमारे वैगिना के लिए, अंदर के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और मेक श्योर रहे इस चीज़ के लिए कि आप एवरीडे उसे चेंज करें, एवरीडे उस जगह को नीट एंड क्लीन रखें। और प्लीज़ गाइस, गर्ल्स, कपड़ा तो बिल्कुल यूज़ मत करें आप अच्छे बजट में, इसलिए मैं आप लोगों के लिए समर्स के लिए लेकर आई हूँ। स्पेशली समर्स के लिए बहुत अच्छे सैनिटरी पैड्स हैं, आप यूज़ कर सकते हो, तो प्लीज़ कपड़ा यूज़ मत कीजिए, क्योंकि वो आगे जाके हम लोगों के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा लड़कियों के लिए। तो प्लीज़ अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अपनी जितनी भी लड़कियाँ हैं उनको सबको शेयर कीजिएगा। और ऐसी अच्छी अच्छी और नई वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।